स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल रूरल इंडिया विद विशाल। आज हम आए हैं हमारे खेत में और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि टिपिकल महाराष्ट्रियन फार्म में क्या क्या होता है। कुआ होता है, गाय भैंसे होती है, कैसा खेत होता है। तो चलिए दोस्तों हम एक एक चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। यह है सनराइज़ हमारे खेत से। आज हम मॉर्निंग में ही वीडियो शूट करने आए हैं और आप ये जो भी देख रहे हैं ये सब हमारा खेत है। चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों ये है छोटा सा घर हमारे खेत में, इसे हम बखार कहते हैं। इसमें खेती के औजार और हमारे ये जो दो गायें हैं ये रहती है। जब भी बारिश वगैरह होती है तो ये हमारे लिए रुकने का स्थान होता है। ये है हमारा छोटा सा बछड़ा जो कि बस 15 दिन का है और ये बहुत ही प्यारा और क्यूट है। आगे हम देखते हैं, चलते हैं हमारे कुएं के पास। ये है हमारा कुआं और आप देख सकते हैं कुछ कबूतर ऊपर आ रहे हैं और ये जो पानी देख रहे हैं बहुत ही क्लीन वाटर है और ये इंडिकेट करता है कि इस साल बारिश अच्छी हुई थी। ये बेसिकली हमारा लाइफलाइन होता है, हमारी खेती के लिए पानी यहीं से जाता है, हमारे जानवरों के लिए पानी यहीं से जाता है और हम जब यहाँ पे रहते हैं दिन भर तो हम खाने के लिए पीने के लिए यही पानी यूज़ करते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या है। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ हम मोस्टली खाना खाते हैं। यहाँ पे ये तीन पेड़ है तो छाव अच्छी होती है। तो चलिए आगे। ये है छोटा सा हाउस हमारे जो गाय भैंसे हैं उनके लिए और ये आगे आप देख रहे हैं एक प्रकार का घास है, इसे हम कांडी घास बोलते हैं। और ये जो जानवर होते हैं जो हमारी गाय होती है इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो बड़े चाव से इसे खाते हैं। ये है कॉर्नफील्ड, ये बेसिकली स्वीट कॉर्न है जो आप लोग कॉर्न चाट में या भुट्टे में खाते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि सब्जियां कौन सी है हमारे खेत में। तो ये बेसिकली हमने एक कंपाउंड किया हुआ है, कंपाउंड के अंदर जाएंगे और देखेंगे। ये है अदरक और उसके साथ में बीच बीच में मैरीगोल्ड के फ्लावर है, गेंदे के फ्लावर है। आगे और चलते हैं और देखते हैं। ये आपको बता दूँ ये है स्पॉन्ज गार्ड या गिलके भी आए हुए हैं उसको। यह है गिलके का फ्लावर और ये है हमारा मिर्ची का खेत। चलते हैं आगे। ये है ककुम्बर का बेल, खीरा आप लोग उसे बोलते हैं, उसे खीरा या ककड़ी आई हुई है। आगे और चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। ये है अरहर दाल के जो प्लांट्स होते हैं वो, उसको फ्लावर्स आए हुए हैं और आप यहाँ पर मधुमक्खी भी देख सकते हैं। और बाकी ये जो खेत आप देख रहे हैं ये हमने कल्टीवेट करके रखा है। अभी इसमें गेहूं और ग्राम्स जो कि रबी क्रॉप होता है उनको हम लगाएंगे। और चलते दोस्तों आगे और देखते हैं हमारे फूल खेती के पास। ये है गिलेडा फ्लावर्स जो कि येलो होते हैं और शेवंती के जो फ्लावर्स होते हैं उनके जैसे होते हैं और इनके बारे में हम और अलग वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो के स्टार्ट में आपको हमने सनराइज दिखाया था, अभी आपको हम सनसेट दिखाएंगे हमारे खेत से। ये है सनसेट व्यू हमारे खेत से, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। मुझे स्पेशली इस टाइम पे हमारे खेत में आना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आपका फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए
और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।